वक्फ बिल के खिलाफ देश के मुसलमानों को भड़काने के लिए मुस्लिम संगठनों ने हाईटेक तरीका अपनाया और QR कोड लॉन्च किया। लेकिन अब इसके जवाब में हिंदू संगठनों ने वक्फ बिल के समर्थन में QR कोड जारी कर दिए। यानी अब वक्फ बिल की लड़ाई मुस्लिम QR कोड वर्सेस हिंदू QR कोड हो चुकी है। मुस्लिम QR कोड मस्जिदों और मुस्लिम मोहल्लों में लगाए जा रहे हैं, तो हिंदू QR कोड गणेश पंडाल, दुकानों और वक्फ बोर्ड के दफ्तरों में लगाए जा रहे हैं। मुस्लिम QR कोड में वक्फ बिल का विरोध करने का ऑप्शन दिया जा रहा है और हिंदू QR कोड वक्फ बिल के समर्थन का जरिया बन रहा है। यानी वक्फ बिल पर अब QR कोड वर्सेस QR कोड की लड़ाई शुरू हो चुकी है। अब सवाल है कि इस जंग में मुस्लिम QR कोड जीतेगा या हिंदू QR कोड। वक्फ बिल को लेकर छिड़ी डिजिटल वॉर पर यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जरा आप देखिए। एक QR कोड मस्जिदों में लगाया गया, तो एक QR कोड गणपति पंडालों में लगा। वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल 2024 जो पार्लियामेंट में पेश किया गया है, एक ऐलान मुस्लिम मोहल्लों में हुआ, कर दिया गया है, पास नहीं हुआ। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर ये मौजूद है और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने, तो एक ऐलान हिंदू आबादी वाले इलाकों में। एक ऐलान मौलानाओं ने किया, स्कैनर पर आप लोग स्कैन कीजिए, तो एक आह्वान हिंदू संगठनों ने, एमेंडमेंट एक्ट है 2024 का। वक्फ बिल के नाम पर मानो घमासान हो रहा है। एक तरफ इस बिल के खिलाफत करने के लिए मुस्लिम संगठन और सियासतदान लामबंद है, तो वहीं दूसरी तरफ इस बिल के समर्थन में हिंदूवादी संगठन खड़े हो गए हैं और सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक QR कोड वर्सेस QR कोड की जंग छिड़ गई है। ये जंग क्यों छिड़ी और इसका असर क्या होगा, ये समझने से पहले आप जरा अलग अलग शहरों से आई इन ताजा तस्वीरों को देखिए। हजारीबाग, हाथरस, गोधरा, सूरत, हिंदू संगठनों ने सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक एक QR कोड शेयर करना शुरू कर दिया। सड़कों पर तो लोगों को जागरूक करने का अभियान चलाया जा रहा था, साथ ही गणपति के पंडालों में भी इसे चस्पा कर दिया गया। और यहाँ पे देखिए बकायदा एक QR कोड है और आपका स्कैनिंग हो गया? जी, मैं स्कैन कर रहा हूँ। अच्छा, स्कैन कर रहे हैं। आपने कर लिया? हो गया, लिंक में ये लिंक आता है। देखिए यहाँ पर स्कैन करने के बाद कुछ पॉइंट्स आए हुए हैं, जिसमें जो वक्फ बोर्ड बिल कितना ज़रूरत है उसकी, वो सारी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं पॉइंट टू पॉइंट। और बाकायदा JCP वक्फ नाम का जो ईमेल आईडी है उस पर सीधा ये जो डिटेल है उस पर अगर ये सहमत होंगे तो भेज देंगे। तस्वीरें गोधरा की हैं जहां VHP ने QR कोड वाला अभियान शुरू किया। अगली तस्वीर गुजरात के ही सूरत, जहां वक्फ बिल का समर्थन करने वाले QR कोड को सूरत वक्फ बोर्ड के दफ्तर के बाहर ही लगा दिया। वक्फ बोर्ड के खिलाफ जो संविधान में नया संशोधन और कानून बनने जा रहा है, जो बिल संसद में पेश करने की बात है, उस पेश बिल के समर्थन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, इस तरह से अब एक मुहिम चलाई जा रही है। वक्फ बोर्ड के बिल को लाना चाहिए, इस प्रकार की बात करने के लिए यहाँ समर्थक लोग आए थे। लेकिन इस QR कोड को स्कैन करने से क्या होगा, अब ये समझिए। दरअसल वक्फ बिल इस वक्त JPC के पास है, जिसने लोगों से इसे लेकर अपना फीडबैक मांगा है और इस QR कोड के जरिए JPC को वक्फ बिल के समर्थन में एक मेल भेजा जा रहा है। माना जा रहा है कि वक्फ बिल के समर्थन में इस QR कोड को मुस्लिम संगठनों के QR कोड वाली मुहिम के खिलाफ लाया गया है, जिसके जरिए मुसलमानों को इस बिल के विरोध में JPC को फीडबैक भेजने को कहा गया था। जैसे जैसे वक्फ बिल पर फीडबैक भेजने की तारीख पास आ रही है, वैसे वैसे QR कोड वर्सेस QR कोड वाली ये मुहिम तेजी पकड़ती जा रही है। अब वक्त ही बताएगा कि इसमें जीत किसकी होगी और हार किसकी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वक्फ बिल के खिलाफ मस्जिदों में QR कोड लगाया गया और इसके विरोध में मुहिम शुरू कर दी गई।
लेकिन अब हिंदू संगठनों की मुहिम तेजी पकड़ती जा रही है और हिंदू क्यूआर कोड ने सोशल मीडिया पर बड़ी बढ़त भी बना ली है। बीते 24 घंटे में हिंदू संगठनों ने वक्फ बिल के समर्थन में जो क्यूआर कोड मुहिम को तेजी दी, नतीजा यह कि हैशटैग बैन वक्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड हो रहा है। अब इस पर लोगों की राय क्या है और मुहिम कितना काम कर रही है, डीएनए की टीम ने इसका इंपैक्ट भी चेक किया। क्या अगर कोई ऐसा क्यूआर कोड आया जिसमें वक्फ बोर्ड बिल को समर्थन करना है ये कहा जाता है, तो आप क्या करेंगे? जी बिल्कुल, हम उसका समर्थन करेंगे। हाँ, क्यों नहीं करेंगे? क्यों? क्योंकि ये हिंदू के हित में होगा, जो हमको करना ही है, और मुझे ही नहीं सारे हिंदू को करना होगा ये। बिल्कुल हम समर्थन करेंगे साहब, क्यों नहीं करेंगे। जी मैं बिल्कुल स्कैन करूंगा। हम वक्फ बिल जो संशोधन है उसका पूर्ण रूप से समर्थन करेंगे, क्योंकि भारत एक हिंदू राष्ट्र देश है। अगर क्यूआर कोड जैसा चीज हमारे पास आता है तो हम लोग डिजिटल तरीके से अपना वोट, अपनी पावर को प्रदर्शित करते हुए हम लोग वक्फ बिल का सपोर्ट करेंगे, समर्थन करेंगे। Z News.